वहीं उसके लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर वीर सावरकर के जीवनी को लेकर बदलाव किया गया है। तो इसी दौरान हमारे संवाददाता अनिल सेन ने बात की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ में ही बदलाव और कहीं नजर आए या नहीं आए, लेकिन स्कूली पाठ्यक्रम में अक्सर ये देखा जाता रहा है कि वहां पर बदलाव अमूमन तौर पर किए जाते हैं। अब फिर से राजस्थान में भाजपा की सरकार के बाद में कांग्रेस की सरकार बनी है, बीजेपी सरकार में कई बदलाव हुए थे, तो अब कांग्रेस की सरकार में भी बदलाव होना शुरू हो गए हैं। शिक्षा मंत्री हमारे साथ में है गोविंद सिंह डोटासरा जी, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो बदलाव है, बीजेपी अब कांग्रेस का विरोध कर रही है, जब आप विपक्ष में थे तो उस दौरान बीजेपी का विरोध करते थे, कि आखिरकार ये बदलाव क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए पाठ्यक्रमों में बदलाव किए थे जिनका कोई आधार नहीं था। जिन लोगों का देश की आजादी से लेकर के आज तक निर्माण था उसको उन्होंने मिटाने का काम किया था, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी का हो, लाल बहादुर शास्त्री जी का हो, चाहे मनमोहन सिंह जी का हो, राजीव गांधी जी का हो, इंदिरा जी का योगदान हो, उनको हटाने का काम किया था और सावरकर जी का महिमा मंडन किया था। मैं समझता हूं जो इतिहास के पन्नों में सावरकर जी के लिए दर्ज है वो चीज हमने शिक्षाविदों की समिति बनाई थी, उसने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक करने का काम किया है। और बच्चों को किस प्रकार से हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, किस प्रकार देश का निर्माण हुआ, किस प्रकार आजादी की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, वो चीज पढ़ाई जानी चाहिए। सावरकर जी का महिमा मंडन से देवनानी जी की कुर्सी तो 5 साल बच गई, लेकिन बच्चों ने जो गलत पढ़ा उसका खामियाजा कैसे पूरा होगा आप बताइए। तो निश्चित रूप से जो पाठ्यक्रमों में बदलाव होते हैं ये सतत प्रक्रिया है, और जब भी शिक्षाविदों की समिति बनती है तो वो जो रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर देती है उसके हिसाब से हर सरकार की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक छुपे हुए एजेंडे के तहत काम किया था, 5 साल पर इस प्रयोगशाला बना दिया था शिक्षा विभाग को। उन्होंने पाठ्यक्रम में भी नहीं, साइकिलों के कलर भी चेंज कर दिए, लोगों ने इनकी सरकार चेंज कर दी। लेकिन स्टूडेंट एक जगह पढ़ेगा कि महाराणा प्रताप जीता है, दूसरी जगह पढ़ेगा कि वो हारा है, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है कि कौन कब जीता कौन कब हारा। महाराणा प्रताप का शौर्य, उसकी वीरता, उसका साहस, उसका पराक्रम जो राजस्थान के कण कण में विद्यमान है, जिससे हमारे बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए, वो चीज ही पाठ्यक्रम में है और वो ही पढ़ेगा। लेकिन क्या जरूरत होती है इस तरह की पाठ्यक्रम सरकार बदलने के साथ में ये बदलाव हो या नहीं हो, क्योंकि खामियाजा स्टूडेंट पर ज्यादा है। स्टूडेंट बदलते पाठ्यक्रम के साथ कुछ बजट का भार पड़ेगा, स्टूडेंट अलग किताब पढ़ेगा। जो चीज गलत है उसके सामने पैसा कोई मायना नहीं रखता, जो चीज सही है वही आना चाहिए। पैसा कितना लगता है, क्या तो लगता, 10,000 करोड़ रुपए नोटबंदी में मोदी जी ने हम स्वाहा कर दिए, और जो उद्देश्य बताए थे नोटबंदी करने के उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। आप बताइए आतंकवाद क्या समाप्त हो गया, क्या काला धन आ गया, क्या भ्रष्टाचार देश से समाप्त हो गया? 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया मोदी जी ने, और आज उसके ऊपर चुनाव नहीं लड़ा कि नोटबंदी सही थी गलत थी, इसके ऊपर वोट नहीं मांगे। हमारी सेना के पराक्रम, हमारे सैनिकों की शहादत के पीछे छुप करके उन्होंने जो है वोट मांगने का काम किया, बच्चों को भड़काने का काम किया है, आप देखिए। तो इसलिए जो चीज सही है वही हमारे बच्चों को परोसे जानी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य। आप जो जौहर की तस्वीर थी वो हटा रहे हैं, दुर्गा की तस्वीर वहां पर लगा रहे हैं, दुर्गा की तस्वीर पहले भी लग सकती, आप अब लगा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जो उन्होंने संशोधन किया था कि हमारी बेटियों को जौहर करने के लिए प्रेरित करें, सती होने के लिए प्रेरित करें, मैं समझता हूं ये कानूनी अपराध भी है। और ये चीज उन्होंने किस उद्देश्य से की वो तो वो जाने, लेकिन वो गलत था। जब शिक्षाविदों की समिति ने ये माना कि नहीं, यहां पर ये चीज हमारी बेटियों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, हमारी बेटियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये देखेंगे कि हम तो जोर के लिए पैदा हुई है, क्या ये बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? तो निश्चित रूप से जो गलत था वो हटा है, जो सही है वो आया है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं बीजेपी वालों को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार के झूठे जुमले घड़े, जिस प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम किया, जिस प्रकार भाई को भाई से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाने का काम किया, वो कृपया बंद करें। देश हित में, प्रदेश हित में जो सकारात्मक सुझाव हो वो अपने दें, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन भाई को भाई से लड़ाने का काम बंद करें और अपने काम करें। काम नहीं कर रहे हैं आप, तो केवल बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे कि ये बदलाव क्या कंटिन्यू चलते रहेंगे इसी तरह से पाठ्यक्रम के अंदर? ये तो सतत प्रक्रिया है कि कोई चीज नहीं आती है तो निश्चित। हमने पुलवामा शहीदों का, हमारे सैनिक जो शहीद होते हैं उनकी वीरता, उनकी गौरवगाथा को बढ़ाने के लिए हमने संशोधन किया तो कोई अन्याय कर दिया क्या हमने?
अगर है तो बीजेपी कह दे कि नहीं, शहीदों को नहीं पढ़ाना चाहिए, पुलवामा में जो शहीद हुए उनकी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो हमने तो जो किया है वो किया है हमारे देश के लिए, और हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी क्या पढ़े, उनको क्या शिक्षा मिले। और उन्होंने आरएसएस भारतीय भवन से जो पर्चियां आती थी और अपने राजनीतिक एजेंडे सबको आरएसएस का सदस्य बनाना चाह रहे थे हर बच्चे को, ये संभव थोड़ी है ना, बताइए। बिल्कुल, ये थे शिक्षा मंत्री कुलदीप सिंह डोटासरा जी। लगातार करेंगे पाठ्यक्रम में बदलाव प्रक्रिया है, जिसकी तरफ बदलाव होते रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट का हित किस में है ये खासतौर से देखा जाएगा। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अनिल सैन, जयपुर।